नाट अकादमी में आप सभी का स्वागत है आज हमारे बीच में भारतेंदु हिंदू नाट अकादमी के भूतपूर्व छात्र वैभव सारस्वत उर्फ अबीर सूफी जी उपस्थित हैं। अबीर सूफी जी की पहचान आज हर घर में है शाहजहांपुर से मेरे साई, में साई तक का सफर उनके जीवन में कितने बदलाव लाया आइए जानते हैं उन्हीं से विस्तार से और खंगालते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पलों को सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में थैंक यू भव्या उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल होगा हाँ ईश्वर की असीम अनुकंपा है सब कुछ बहुत बढ़िया है बाय द grace of god आई एम डूइंग सो वेल और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि जो लोग जहाँ पर भी हैं उनके परिवार सुरक्षित रहें और वो लोग अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाए मैं जानना चाहूंगी कि आपके रंग यात्रा में कैसे शुरुआत हुई आपके रंगमंच पे आने का सफर क्या था इसे आप विस्तार से थोड़ा बताएंगे हमें सर एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी द थिंग वाज लाइक आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एज यू नो मैथ अबाउट कैलकुलेन्स टू प्लस टू इज इकल टू फोर फोर प्लस सिक्स इज इकल टू टेन इलेवन प्लस थर्टीन इजल सो यू सी दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड आई एम जस्ट सेइंग सम नंबर एंड आई एम कैलकुलेटिंग इट वेरी फास्ट बिकॉज आई वॉज लाइक दैट बट वॉट हैपन्ड कि वन ऑफ माई गुड फ्रेंड मिस्टर संकल्प अग्निहोत्री ही इज़ लिविंग इन शाहजहाँपुर तो उनके छोटे भाई थे सौरभ अग्निहोत्री जो इस समय हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में नहीं है वो जहाँ भी हुई शोर उन्हें बहुत खुश रखे बहुत प्यार दे तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि सौरभ आए मेरे पास और मुझसे कहा कि दादा हमारा एक एक्टर एक जो है वो शो छोड़ के चला गया है कुछ उनकी व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं तो पर्सनल रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाएगा तो अगर आप हमारी हेल्प कर दें हमारा एक नाटक है पूरा तैयार है और उसमें वो चरित्र हम ढूंढ रहे हैं जो कि मुझे लगता है आप कर सकते हैं तो मैंने कहा ठीक है लेकिन मुझसे एक्टिंग होगी नहीं मैं इस तरीके का हूँ नहीं पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जिस्ट किया और फिर मैंने हाँ कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि आ, मैं गया पहले दिन हमारे यहाँ एक जगह है एस कॉलेज शाहजहाँपुर में तो वहाँ जब गया तो हमारे एक सीनियर जो बी से ही हैं मिस्टर अनुराग शुक्ला वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आप भी आ गए तो मैंने कहा हाँ मैं भी आ गया क्यों तो उन्होंने बड़ी एक आ, अलग सी बात की कह, उन्होंने कहा अब आप आ गए हैं पर आप जाएंगे नहीं यहाँ से तो मैंने कहा नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं खाली एक नाटक करने के लिए आ वो भी मेरा मन लगेगा तो मैं करूँगा उसके बाद तो मैं चला जाऊँगा पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ के लेकर मैं नहीं जाऊँगा और आज आप देख लीजिए मैं यहाँ हूँ आपके साथ बी में तो सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ कि एक नाटक टीम कर रही थी और उसमें उस नाटक का नाम था अग्नि बरखा और उसके राइटर हैं गिरीश कर्नाड साहब वो भी मैथमेटिशियन थे ऑक्सफोर्ड से तो वो मैंने जीवनी पढ़ी जब मैंने बुक को खोला वो मुझे दी गई पढ़ने के लिए तो मुझे लगा कि एक मैथमेटिशियन अगर प्ले हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता मैं, क्यों नहीं। मैं भी एक्टिंग ट्राई कर सकता हूँ तो फिर मैंने उसको पढ़ा अच्छे से फिर गया रिहर्सल पे तो उन्होंने बताया ये एक राजा है परा वसूस में एक कैरेक्टर है अग्निवरखा में जो मैं कर रहा था पर मैं तो अपना पूरा स्टाइल से वो टशन वशन जिसे तो बोलते हैं हमारे मुंबई के लैंग्वेज में वैसे वो थोड़ा हिल हिल के चलना तो फिर जो और हमारे सीनियर एक्टर्स थे उनमें से एक आदमी जिसने मुझे एक्टिंग के बारे में बताया कप्तान सिंह वो मेरा बैचमेट बना दो हज़ार दस दो हज़ार बारह बैच में तो उसने करके दिखाया देखो ऐसे चलना चाहिए तो मुझे लगा यार ये एक कुछ चीज़ है जो सीखने वाली है कुछ सीखा जा सकता है इससे आप क्योंकि जब कभी भी आप किसी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो फाइनल राउंड हमेशा इंटरव्यू ही होता है right. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस दैट हाउ यू लुक हाउ यू स्पीक हाउ यू वॉक बिकॉज इट क्रिएट्स एन और इट क्रिएट्स योर प्रेजेंस इट इट इन टर्म्स ऑफ आई वुड लव टू मैंशन कि वो आपको रिप्रजेंट करता है आपके पर्सोना को ग्लोरीफाई कर सकता है अच्छा कर सकता है तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत काम की चीज़ है जो मेरे इंटरव्यू में काम आएगी तो मैंने हाँ कर दिया और फिर हम वो नाटक करने लगे रिहर्सल पे रिहर्सल थी फिर वहाँ से सफ़र बहुत खूबसूरत रहा लोगों ने बहुत तारीफ़ करी हमने पहला शो ही नागरी प्रचारणी सभा बनारस में किया था लोगों की तालियाँ बज गई मुझे गलत फहमी हो गई मुगालता हो गया मुझे कि मैं एक्टर बन सकता हूँ और हिस्ट्री है कि अभी सोनी टी का जो नाटक मेरे साई इस समय ऑन एयर है तो उसे मैंने लगभग तीन साल उसका मेन लीड कैरेक्टर साइं किया लोगों से बहुत प्यार मिला और फिर एक नाटक दो नाटक तीन नाटक लोग आते थे मेरे पास लोग मुझे बताते थे या बुलाते थे कहते थे कि हम चाहते हैं ये कैरेक्टर आप करें और मैं करने के लिए तैयार हो जाता था इसी बीच पढ़ाई जारी थी फिर मैं दिल्ली गया कुछ मेरी पढ़ाई के काम से और वहाँ पर एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं संजीव सोनू जो कि शाहजहाँपुर में थिएटर करते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जाइए और आ, मंडी हाउस जाइए एन एस डी प्रीमाइसिस देख कर आइए मैं चला गया वहाँ प्रीमाइस देखा मैंने अजीब सी मैंने लोगों से पूछा कि एन एस डी में एन एस डी कहाँ पर है मंडी हाउस में तो उन्होंने बताया आप जाइएगा जो पागल खाना दिखाई दे मैं थोड़ा शौक लग गया पागल खाना एन इतनी तारीफ लोग करते हैं बोले हाँ वो आपको अजीब सी लटकी हुई चीज़ें दिखाई देंगी अजीब सा रंग बिरंगा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वही मंडी हाउस कि वही मंडी हाउस है और वही एन है तो मैं भी जब गया तो वहाँ पर जैसे गेट से घुसे ना तो वहाँ पर एक के ऊपर एक कई सारी कुर्सियाँ वेल्ड करी हुई थी मेरे लिए थोड़ा क्रिएटिव था वो और हमारे शाहजहाँपुर से ही एक हमारे सीनियर हैं दुर्वेश आर्य उनसे मेरी मुलाकात हुई उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास था थोड़ी देर बातचीत करी फिर कुछ क्लासेस वगैरह थी तो उन्होंने बोला कि थी, मुझे तो जाना होगा फिर उन्होंने तो़िर आलम खान को फ़ोन किया जो कि मेरे रंग गुरु हैं तो जनाब तो़िर आलम खान साहब आए हमें ले गए चाय वाय पिलाई और एक नाटक मुझे गिफ्ट किया अंधयुग और अलावा उसके फिर बहुत सारी बातचीत हुई बताया कि जहाँ बैठे हैं यहाँ पर नसीर साहब रहते थे नसीरुद्दीन शाह साहब तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो गया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ सीख सकते हैं जहाँ कुछ समझने के लिए है और जैसा मैंने बताया कि सीखना मेरी आदत है मेरी फितरत है कि मुझे अच्छा लगता है कुछ सीखते रहो हमेशा अपने आप को ग्रूम करते रहना चाहिए तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया और पहली बार में बी में मेरा फ़ॉर्म कैंसिल हो गया कुछ कमियाँ थी शायद सर्टिफिकेट पूरे नहीं थे जो नाटक वगैरह करने चाहिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको आहर्ताएँ जो थी वो शायद मेरी पूरी नहीं थी और सेकेंड टाइम एलिजिबिलिटीज़ पूरी हो चुकी थी तो बी ने मेरा फॉर्म ले लिया फाइनली वो बात सच हो गई कि आप एक बार आ चुके हैं तो आप वापस नहीं जा सकते yes, yes, yes. Finally, आप, मेरा admission. आपके का एक जो mathematics था, एक एक जो था था वो आपको लेकर आ गया एक रंग मंच के साथ जोड़ दिया actually, तो, actually, सर, actually, यही हुआ सर बी एन ए में आपने एक बहुत ही मैं कहूँगी आपने अभिनव की नींव यहाँ से रखी hmm. एक बहुत ही खूबसूरत पल आपके यहाँ से गुजरा आपका गुजरा है तो उन पलों को आप अगर साझा करना चाहें हमारे साथ मैं जब बी एन ए आया तो कई सारे लोग थे जो बी एन ए में पहले हमारे शाहजहांपुर से पढ़ के जा चुके थे और हमारे सामने ये एक कोई भी कॉम्पटिशन हमें से कोई भी देता है आप भी अगर कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होंगे तो हम ये मान के चलते हैं हम तन मन धन सब लगा देंगे तो पहली बार जब मेरा बी में फॉर्म कैंसिल हो गया तो मैं बहुत समर्पित हो गया था कि मुझे तो बी में एडमिशन चाहिए ही है और फिर एक साल तक मैंने खूब सारे नाटक पढ़े जब यहाँ दिया एग्ज़ाम तो पास भी हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और जो मुझे बैच मिला 2010 से 2012 बैच वो बड़े सब लोग मेहनती लोग थे सब लोग काम करना चाहते थे और हम सब लोग ही अपनी अपनी जगह से ये सोच के आए थे कि बस हम सब कुछ हासिल कर लेंगे इन दो सालों में और जैसा मेरा संकल्प था तो वो किया इस बीच में जिसे हम प्रोसेस कहते हैं हल्की फुल्की मजाक हल्की फुल्की मजाक मस्ती या खराब शब्दों में आप कभी रैगिंग कहते हैं तो वो कुछ रैग जैसा ही था कि हमारे सीनियर्स ये आते ये थे कौन कौन नहीं पहुंच रहा है क्लास में कौन कौन जल्दी सोता है कितने नाटक पढ़े हैं वो सब पूरा चलता था प्रोसेस और चूँकि मैं थोड़ा मेचोर था मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था तो आई इन्जॉयड दैट मोमेंट कि ये मोमेंट मूवमेंट इन्जॉय करने के लिए क्योंकि उसके बाद तो कभी ऐसा होगा नहीं कि आपके सीनियर्स और जूनियर्स होंगे जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे आप प्रोफेशनल हो चुके होंगे और कोई आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि चलिए मुझे एक कप चाय पिला दीजिए या वो प्यार करने वाले लोग नहीं होंगे जो कभी आपको डांट भी देंगे या कुछ कहेंगे तो पहला दिन वो जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था मतलब वही जिसे आप दूसरे शब्दों में कुछ और भी कहते हैं रैगिंग तो मैंने वहाँ से ही इंजॉय करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे एक साल कब निकला पता नहीं चला तमाम तरीके के डायरेक्टर्स आए जनाब युगल किशोर जी जो हमारे बीच अब नहीं हैं बहुत उनसे प्यार मिला चित्रा जी चित्रा मोहन जी जो हमारी टीचर थी ए, इंडियन क्लासिकल ड्रामा की उन्होंने बहुत पढ़ाया बहुत विश्वास दिखाया उसके अलावा जनाब अरुण त्रिवेदी साहब तो वो भी यहाँ थे और जो सीखने का मौका मैं कहूँगा कि मैंने युगल जी से काफ़ी कुछ सीखा मैंने चित्रा जी से काफ़ी कुछ सीखा और मैंने अपने साथी कलाकारों से बहुत सीखा इस बीच में जो विजिटिंग फैकल्टीज़ आए उनके साथ काफ़ी काम करा उनमें उनमें अलग अलग टैंपरमेंट के लोग थे कुछ लोग जल्दी नाराज़ हो जाते थे कुछ लोग की कुछ डिमांड्स होती थी कि लाइंस पहले से याद होनी चाहिए कुछ लोग का था कि एक्स्टर एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर करे तो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस थे और हर दिन वही मैंने मैंने बताया मेरी आदत थी सीखना तो जब मेरे सामने कोई चैलेंज आता था तो मैं उसमें एक रास्ता निकालता था मेरे सीनियर्स ने बहुत प्यार किया एक मेरे सीनियर थे मनोज शर्मा आगरा से तो उस आदमी का अलग ही एक एटीट्यूड था और वो उस इंसान से जब मैं मिलता था तो मुझे लगता था यार कि कभी लाइफ में कोई कैरेक्टर ऐसा ज़रूर करूँगा मेरे दिमाग में है कभी कि कोई ऐसा कैरेक्टर आया तो लोग देखेंगे मनोज शर्मा अगर अबीर सूफी होता तो कैसा होता उसके अलावा एक हमारी सीनियर थी सीमा सिंह नाम था उनका बहुत प्यार करती थी वो हम लोग घर जाते थे अलग अलग चीज़ें लेके आते थे किसी के घर में कुछ फंक्शन होता था तो कुछ लाता था बट मेरी मम्मी जॉब में थी और मेरा जो भाई था छोटा वो भी अपने काम में था तो हमारे घर पर ऐसा बहुत कम हो पाता था कि हम कुछ होममेड चीज ला पाए हॉस्टल की चीजें हाँ हॉस्टल लाइफ में तो मेरे दोस्त लाते थे तो मैं तो खाता था लेकिन जब वो लोग मुझसे पूछते थे क्या लाए तो मैं उनसे बोलता था माँ का प्यार <laughs> ने मुझे भर के डब्बों में खूब सारा प्यार तो खूब सारा प्यार दिया है तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्यार और थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिए ऐसे मैं उनसे बात करता था पर मेरे बैच ने बहुत प्यार किया मुझे हमारे जूनियर्स थे बी एम में वही जो प्रोसेस की बात होती है हम लोगों ने प्रोसेस करी और वहाँ पर मेरे जूनियर्स में एक लड़का था राहुल जायसवाल एंड ही इज़ वर्किंग वेरी वेल इन मुंबई ही इज़ अ डायरेक्टर एक मेरा जूनियर था शत्रुजीत मिश्रा तो डी ओ पी हो गया डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और एक लड़का था सुनील जो अभी लखनऊ में ही है वो अच्छा काम करता है एक्टर है वो अभी मैंने कोशिश करी इसको कुछ यहाँ अलग से अपनी तरफ से पुश करने की बाकी अपना अपना सबका मेरी एक जूनियर थी पूजा तो बहुत इनोसेंट थी अगर मुझे लाइफ में कभी पूजा जैसा कोई कैरेक्टर मिला तो मुझे उम्मीद है मैं बहुत अच्छा करूँगा मतलब आप अपने हॉस्टल के बीच में जितने भी साथी लोग थे उनके इंस्पायर होते थे कि ये कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए हाँ मुझे मैं मैंने तीन मतलब हम तीन दो साल यहाँ रहते हैं तो हमारे सामने तीन बैचेस निकलते हैं मतलब 2010, 2011, 2012 तो 2010 में मतलब जब मैं आया तो हमारे कुछ सीनियर्स थे फिर उसके बाद हम सीनियर बने और उसके बाद फिर हमारे जूनियर आए तो हमने तीन जनरेशन देखी और हम में से हर इंसान अनोखा था खूब सारी चीज़ें हुई छोटे छोटे झगड़े हुए कि अरे वो हमारा दूध का भगवाना था उसमें आपने दूध गर्म कर लिया आप हमें धोना पड़ेगा या हम लोग कभी ये पत्रकारपुरम पर जाते थे थोड़ा मस्ती करने के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए तो अपने दोस्त को बोल देते थे मेरा खाना निकाल के रख लेना ठीक है और अगर उसने खाना नहीं निकाल के रखा तो वो उसकी ज़िंदगी की शायद पहली और आखिरी गलती हो सकती थी हम इतना नाराज़ हो जाते थे कि मैं रात में दस बजे आया हूँ हमने कई बार हॉस्टल की दीवार भी जम करी बाहर चाय पीने के लिए और हमारी जो सबसे बड़ी ट्रीट होती थी वो होती थी लस्सी एक गिलास लस्सी में हम खुश हो जाते थे और अगर किसी का बजट कम होता था तो फिर हम लोग बन मक्खन की एक डिमांड करके और सामने छोटू भैया शायद उनका नाम है चाय पी के हम बहुत खुश होते थे बहुत अच्छा लगता था हमें बहुत इंजॉय किया वो पल आपकी आप अभी भी सोचते तो था था। यार कुछ तो था जीवन में मैंने कुछ अचीव किया, किया पर किया। मुंबई की तरफ रुख कर रहे थे तो एक डर होता है एक हम अब बाहर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं उस प्यार उस विश्वास के साथ जो हम पीछे अब छोड़ रहे हैं एक नए ज़िंदगी में सफ़र हमारा नए जिंदगी का सफ़र शुरू होने जा रहा है वो डर को कैसे आपने मोटिवेशन में कन्वर्ट किया कि हाँ अब मैं निकल चुका हूँ तो मुझे करना ही है कुछ वो भविष्य का डर वो एक नर्वसनेस उसको आपने कैसे एक मोटिवेशन में कन्वर्ट करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की सोची वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली था क्या कि आई वॉज नॉट स्केयर्ड मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था क्योंकि आ, अगर मुझे खाली अभिनेता बनना होता तो मैं शायद एन एस डी अभी एन ए या एफ टी आई ये कुछ अप्लाई करने की सोचता ही नहीं, नहीं। मेरा मन था ट्रेंड अभिनेता बनने का मुझे 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 ट्रेंड अभिनेता बनना था इसलिए मैं आया और मैंने अपनी ज़िंदगी में दो सवा दो साल यहाँ लगाए और सीखा कि अभिनय कैसे होता है क्या उसकी बारी क्या है जितना भी हम सीख सकते थे जैसे मैं आपको एक वाक़ सुनाऊँगा कि मैंने एन सी ज्वाइन करा और मैं एन का कैडेट था तो मैं लगातार बाहर ही रहता था एन सी सी वाले जब आर के लिए यानी रिपब्लिक डे कैम्प के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको जल्दी घर आने मिलता नहीं है लगातार कैंप 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 होते रहते हैं तो मैं बी एस सी ईयर में था और मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था तो मुझे लग रहा था कि और क्या होता है छब्बीस जनवरी परेड होती है और मार्च में हम सबके एग्ज़ाम्स होते हैं एकेडमिक तो मेरे पास केवल एक महीना था फरवरी का तो 26 मार्च जनवरी को आप वो करेंगे उसके बाद पी रैली होती है प्राइम मिनिस्टर्स रैली वो भी डेली में एक बड़ा इवेंट होता है तो वो सब करके जब मैं वापस आया तो मेरे पास कुछ शायद पंद्रह बीस दिन ही थे जिसमें मुझे पूरे बी एस बी एस सी यानी बैचलर ऑफ साइंस का पूरा कोर्स कवर करना था जिसमें मैथ्स भी थी फ़िज़िक्स भी थी केमिस्ट्री भी थी और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नवनीत तिवारी जो आजकल शिक्षक हो चुके हैं सरकारी टीचर हैं वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा उन्होंने बहुत ईमानदारी से मुझे दो तीन दिन पढ़ाया बताया स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने दो दिन के अंदर स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स जो पूरे टॉपिक थे उनकी बड़ी मोटी मोटी बुक्स थी वो मैंने दो दिन में कंप्लीट कर ली थी तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, था कि अगर मैं दो बुक्स जिन्हें मैंने सालवर नहीं पढ़ा उसे दो दिन में पढ़ के तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ तो फिर ऐसा नहीं है कि अगर मैं दो साल थिएटर करूँगा तो मैं बिल्कुल खाली चला जाऊँगा यहाँ से और मैं डे वन जब मैं यहाँ आया था तो मैंने अपने सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करी थी कि हम दो साल के लिए यहाँ हैं आप दो साल के अंदर सारे गिले शिकवे भूल जाइए आप सारी लग्जरी भूल जाइए कि आपको ये चाहिए वो चाहिए आप ये कोशिश करिए कि आप इन दो सालों को पूरी तरीके से यूज़ करें जैसे आज भी मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मुंबई में कोई कैरेक्टर मिलता है तो मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ मैं बोलता हूँ मैं उसे एक्सप्लॉइड करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि उसे उस लेवल तक जिया जाए उस लेवल तक उस पर मेहनत की जाए कि कम से कम हो सकता है लोगों को वो पसंद आए तो अगर अगर लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं भी आता तो आपके दिमाग में ये कहीं अफसोस नहीं रह जाना चाहिए कि मैंने अपना हंड्रेड नहीं दिया या मैंने पूरी कोशिश नहीं करी तो वो मैं करता था और मैंने बहुत इन्जॉय किया बहुत बढ़िया सफ़र इस थ्रस का पहला शो हमने ही किया था अवनीश अवस्थी जी हमारे डायरेक्टर थे और हम लोग यहाँ बैठे थे हमारे छोटे छोटे इंट्रोडक्शन चल रहे थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे सामने इस समय सचिव हैं गृह सचिव हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और उनसे मिलकर मुझे हमेशा ये लगता था कि वो एक सीनियर आई ऑफिसर हैं वो सामने सीट्स पर बैठे होते थे और वो हमारा शो देखने के लिए आए वो हमें मोटिवेट करते थे दर्पण का एक फेस्टिवल चलता था थिएटर फेस्टिवल जो एस के अंदर होता था तो कई बार हमारे पास पासेज़ नहीं होते थे मैंने पर्सनली उन्हें फ़ोन करके शिकायत करी कि हम ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट हैं हम लखनऊ में रहते हैं और हमारे पास पासेज़ नहीं हैं हम ड्रामा सीखने के लिए आए हैं आप हमें प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं इतना बड़ा इवेंट हो रहा है लखनऊ में हमको क्यों नहीं मिल रहा है तो वो इतना प्यार करते थे कि उन्होंने एस एन बोल दिया था कि अगर कोई लड़का आएगा बी से और वो बी एन का आई कार्ड दिखाएगा तो उससे कोई टिकट नहीं लगेगा कोई पास नहीं लगेगा और वो शो देखेगा तो मेरे लिए उन सब चीजों ने बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर दिया था और मैं निकला sure तो आई वाज़ श्योर अबाउट इट कि आई विल गेट सम गुड जॉब मतलब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले से था कि हाँ मैं अब आ गया हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँ वापस नहीं जाऊँगा सर मैं जानना चाहूँगी कि साई के ऑडिशन से लेकर उसके सिलेक्शन तक का सफर जो था उसको आप किस तरह से आप देखते हैं साई जब मुझे ऑफर हुआ तो मैं कहना चाहूँगा मुझे कभी लगा नहीं कि मैं साईं का कैरेक्टर कर सकता हूँ क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा शैतान हूँ मैं बहुत चुलबुला हूँ मैं बहुत टॉकेटिव हूँ और आई लव टू मेक फंस आई लव टू क्रैक जोक्स और मुझे कभी कभी लोगों को परेशान करना भी पसंद आता है और अचानक से भगवान और एकदम से हाँ एकदम से फिर आप साई का कैरेक्टर कर रहे हैं ग्रेट प्रीचर ग्रेट टीचर और संसार में बहुत सारे लोगों ने अपना गुरु मानते हैं तो ये बहुत गंभीर कैरेक्टर था और मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि ये मुझे दिया गया है मैंने एक ऑडिशन दिया तो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर थी उस समय वो मिस थी मिस नेहा सिंघानिया तो उन्होंने मुझे बोला कि अबीर कहाँ हो आप तो मैंने बताया कि मैं मुंबई में मूँ हम आपका एक ऑडिशन करना चाहते हैं साई के लिए तो मैंने बोला आई डोंट फील कि आई एम फिट फॉर दिस कैरेक्टर और उन्होंने इतना ज़्यादा इन्जिस्ट किया मुझे कि मैं चला गया ऑडिशन देने के लिए और ऑडिशन uh, देने के बाद ये हुआ कि उनको बहुत पसंद आया फिर उन्होंने दोबारा ऑडिशन लिया तो क्रेपर वगैरह लगा के वो नकली दाढ़ी मूछ और ऑडिशन होता रहा और और अच्छी बात यह है कि मेरा पांच बार ऑडिशन हुआ और फाइनली सेलेक्ट हो गया तो जिस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ मैं लोनावला में एक फिल्म की शूट कर रहा था मेरी फिल्म है अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो प्लीज आप देखिए अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड हाँ तो मैं उसकी शूटिंग कर रहा था और नेहा सिंघानिया ने मुझे कॉल किया वेयर आर यू आई सेड आई एम शूटिंग इन लोनावला सो शी सेड लाइक यू कम टू आर ऑफिस एंड द प्रोड्यूसर वुड लव टू मीट यू आई सेड टुडे आई एम शूटिंग सो इट्स नॉट पॉसिबल बट इन अ डे और टू एल कम एंड आई वेंट देयर एंड इट वॉज अ मीटिंग विद द प्रोड्यूसर मिस्टर निनाथ वैद्य एंड थिंग्स वर वेरी पॉजिटिव ही सेड आई विश टू कॉस्ट कास्ट यू एज अ मेरे साइन द मेन लीडर इन आर शो and the things went on. I was in a confusion that uh, whether I'm gonna do this character or not. But uh, suddenly I had a thought. Uh, I went in my past. Uh, in 2016, I bought a house in Mumbai and my mother was there with me in Mumbai and um, we went to Shirdi because my mother is a Sai devotee. तो वहाँ पर वो अंदर दर्शन करने जाना चाहती थी उस दिन बहुत भीड़ थी तो कुछ लोगों ने बताया वीआईपी पास होता है पर हमें पता नहीं था तो हम मम्मी के कोई आईडी वगैरह भी नहीं ले गए थे बट वहाँ पर कुछ लोग थे जो मतलब व्यवस्था ऐसी कर सकते थे मेरे दोस्तों ने जाके झूठ सच बोल के कैसे करके मम्मी की एंट्री करा दी दो लोग की एंट्री हुई एक मम्मी क्योंकि उनको चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी और एक वो मेरा फ्रेंड जब वो लोग बाहर आए तो मेरी मदर मुझे बहुत जिद करने लगी कि तुम भी दर्शन करके आओ साईं बाबा के मैंने बोला कि हम तो यहीं रहते हैं हम कभी भी आ जाएंगे शिरडी और उससे पहले भी मैं जा चुका था एक हाथ बार बट uh, uh, बच्चों जैसी सोच मैं थोड़ा मैंने बताया मैं शैतान हूँ तो मैंने क्या करा मैं शिरडी में साईं बाबा अगर कभी आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से एक विंडो लगी है वहाँ से साईं बाबा दिखाई देते हैं तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े मैंने कहा यू आर द माइटी गुरु ऑफ शिरडी ऑफ द वर्ल्ड तो आप इजीली इस काम को कर सकते हो ना आप मुझे सेलिब्रिटी बना दो रेड कारपेट बेचेगा तो मैं आराम से आऊँगा ना आज आप देखो कितना एंट्री में दिक्कत हो रही है और ये बात कह के मैं भूल गया फिर क्या होता है कि जब मुझे कैरेक्टर मिला तो फिर मुझे याद आ रही मैंने तो ये बात बोली थी और अब वो इनवाइट कर रहे हैं अपना ही कैरेक्टर करने के लिए तो फिर मुझे ना नहीं करना चाहिए और मैं वो कैरेक्टर करने के लिए गया और फिर लोगों ने बहुत पसंद किया एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ट्वेंटी फिफ्थ 2017 को हमारा शो लॉन्च हो रहा था आई वॉज देयर इन शिरडी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ 2017 एंड uh, हम रुके थे सन एंड सैंड में सन एंड सैंड से हम आए और मेरी गाड़ी खुड़ी खुली तो मैंने देखा सच में रेड कारपेट बिछा था मेरे चार बॉडी गार्ड्स उतरे उन्होंने गेट खोला और दो लोग आगे चल रहे हैं दो लोग आपके पीछे चल रहे हैं रेड कारपेट बिछा हो जैसा मैंने इज्यूम किया था एक सेलेब्रिटी स्टेटस दैट हैपेंड एंड वैन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ साई बाबाज मूर्ति सो आई वॉज़ क्राइंग लिटरली पूरी करी है आप सच्चे दिल से कुछ मांगो एक डेडिकेशन के साथ आप कुछ मांगो जीवन में तो जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। जरूर मिलता है है अब सर आपने जो जी का आपने जब जब जी का ठान लिया कि आपको करना ही है तो एक मैथो करेक्टर है। Basically, हम राम जी शंकर जी और ये सब करेक्टर्स को हमारे दिमाग में एक विजुअल रहता है कि हाँ ये इतना हम लोग पढ़ते हैं इतना सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको समझते कि हाँ राम जी का करेक्टर ऐसा है और शंकर जी ऐसे हैं पर साई जी के करेक्टर को बहुत ही मुझे लगता है कम अब अब तो बहुत ज्यादा बट एक जो करेक्टर है उसको आपने अपने दिमाग में कैसे इमेजिन किया कि हाँ अब मुझे इस हिसाब से काम करना होगा कि मैं साई जी को पूरा उस हिसाब से दिखा सकूं। वेरी नाइस क्वेश्चन जब मैंने एक्टिंग शुरू करी तो जो मेरे थिएटर टीचर थे तोकीर आलम तो जो नाटक हमने सबसे पहला किया आगा अश्र कश्मीरी का रुस्तम सोहराब तो वहाँ पर वह बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे रुस्तम सौराब के और अगर आप देखेंगे तो फिल्म भी बनी है उसके ऊपर रुस्तम सौराब पर आपको फिल्म मिल जाएगी देखने के लिए लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना ढूँढिए अपना बनाइए क्योंकि जब आप किसी को देख लेते हैं तो आप या तो कॉपी करने लगते हैं और अगर आप कॉपी करने से बच भी जाएँ तो कम से कम आप इन्फ्लुंस तो हो ही जाते हैं तो मेरे सामने ये था कि आई विल क्रिएट द ओरिजिनल और ओरिजिनल करने के लिए फिर बहुत सारा काम करना पड़ता है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने साई करने से पहले कोई फिल्म नहीं देखी शिरडी साई की मैंने आ, मैंने कोई उनके बारे में आ, किसी का परफॉर्मेंस नहीं देखा आ, मैंने सच्चरित पढ़ा साई सच्चरित जो बुक थी वो मैंने पढ़ी और उसके अलावा कुछ कुछ शिरडी की ओरिजिनल पिक्चर्स देखी जो साईं बाबा की थी वो कहाँ बैठते थे कैसे समाधि थी तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे बेसिकली आप कह सकते हैं वो मैंने देखे लेकिन कोई विजुअल इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ें या कोई वीडियो मैंने नहीं देखा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था एक डेढ़ महीने के लिए मैं पूरा उस कैरेक्टर में चला गया था और फिर जब मैं स्क्रीन पर आया तो सबके लिए बहुत कन्विंसिंग था क्योंकि मैंने उस पर काम किया था सर वो मैं कह सकती हूँ हमारा मतलब वो चीज़ वो प्रेजेंस दिखती है कि हाँ एक साई के तौर पे आपको लोग मानने लगे कि हाँ ये साई जी ही हैं सर इसी से जुड़ता एक क्वेश्चन है कि जब आप साई जी के करेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे या उनके करैक्टर में ढालने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऐसे कौन से गुड़ थे कौन से ऐसे एलिमेंट थे जो आपको ज़्यादा प्रभावित किए जो आपको लगा कि नहीं मुझे इस पर वर्क करना चाहिए और ये इस करेक्टर पे अगर मतलब इस एलिमेंट पे अगर मेरी पकड़ अच्छी हो जाए तो कहीं ना कहीं मैं साईं जी को एक अपने अंदर धारण कर सकता हूँ राइट hmm, right. uh, जैसे साईं बाबा के uh, दो वर्ड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं श्रद्धा और सबूरी hmm. तो श्रद्धा मीन्स बिलीफ तो एक्टर के लिए भी सिंपल है ये चीज़ बिलीफ होना चाहिए उसे खुद पर और चरित्र पर भले ही फैंटेसी कैरेक्टर हो hmm. लेकिन मेरे हिसाब से एक्टर को मानना चाहिए कि वो रियल है और दूसरा क्या है श्रद्धा के साथ एक चीज़ और भी आती है जैसे विलियम शेक्सपियर ने बोला था कि वॉट इज़ एक्टिंग दिस इज़ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस बिलीव वॉट इज़ थिएटर दिस इज़ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस बिलीव तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस बिलीव मतलब हम मान लेते हैं कि यही सच है तो मैंने जब को पढ़ा सच्चरित पढ़ा मैंने तो फिर मैंने ये मान लिया कि ये सच है दिस इज़ नॉट अ माइथो कैरेक्टर दिस इज़ नॉट अ फैंटसी कैरेक्टर दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टर वॉट वॉट वॉज नॉट देयर इन द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली साई बाबा तो नाइनटीन सेवेंटीन तक थे और रियल कैरेक्टर था उनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं शिरडी में तो मैंने रज्यूम कर लिया था कि मैं ऐसा बनाऊंगा कि मैं कोशिश करूंगा उसमें रियल डालने की श्रद्धा यानी पेशेंस और बिलीफ और सबूरी मतलब पेशेंस तो वो दो एलिमेंट आप देखिए मेरा परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन द परफॉर्मेंस क्योंकि श्रद्धा है बिलीफ है और दूसरा जो सबूरी मतलब पेशेंस आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि साई परेशान हो जाएंगे परेशान नहीं होंगे क्योंकि इंसान दूसरे को वही बात बोल सकता है जिसमें उसका खुद का बिलीव हो सर आ, मैं एक्ट्रेस के लिए अब पूछना चाहूंगी क्वेश्चन कि जब वो कोई मैथो करेक्टर करते हैं किसी भी भगवान के आपको पोट्रे करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो आसानी से उस करेक्टर तक पहुँच सके ये मैं आगे आने वाले जो भी हमारे दर्शक हमारे जो भी चाहते जो भी देख रहे होंगे उनके लिए एक मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं आपके दी मतलब एक जो आप बताएंगे उनके लिए बहुत आगे के लिए काम आएगा हम लेट्स अ टिप फॉर देम मैं बोलूँगा कि आप लोग कोई भी चरित्र करें तो चरित्र में सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सबसे पहले आपको बिलीव होना चाहिए और ट्रुथ होना चाहिए मतलब आप जो कह रहे हैं सबसे पहले आपको उसको ऊपर बिलीव करना होगा तभी वो अंदर से सच्चा आएगा और जो आप कर रहे हैं उस पर भी आपका बिलीव होना चाहिए तभी वो सच्चा होगा तो सबसे पहले आप एक्टिंग प्रोसेस कोई सा भी फॉलो कीजिए आप आप चेकअप को फॉलो करते हैं या माइजनर को फॉलो करते हैं या फिर आप आपको स्टेल स्टेलाइडलर का प्रोसेस समझ में आता है या फिर आप एलेक्डर टेक्निक फॉलो करते हैं या फिर आपको लगता है कि स्टेनिस लेविस की प्रोसेस अच्छा है आप प्रोसेस कोई सा भी फॉलो कीजिए लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रोसेस है और जो फॉलो करना ही चाहिए वो ट्रूथ का तो आप सबसे पहले उस चीज़ को सच मानिए और जो भी करिए ईमानदारी से करिए तो फिर डेफिनेटली अच्छा सा आएगा उसका ईमानदारी एक अभिनेता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि वो किसी भी चरित्र तक पहुँच पहुँच सकता है तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभिनेता हैं जो भी एक्टर्स हैं वो चाहे कोई सा भी एक्टिंग टेक्निक फॉलो करें अगर वो चेकअप में बिलीव करते हैं तो चेकअप का ले सकते हैं या फिर अगर वो स्टेला एडलर को फॉलो करते हैं या उनको लगता है कि की का सबसे अच्छा टेक्निक है या उनको लगता है कि माइजनर अच्छा है या या फिर एलेक्जेंडर टेक्निक फॉलो करना चाहते हैं वो जो सा भी प्रोसेस लें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रूथ होना चाहिए उसमें और जो भी आप कह रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं वो ट्रूथफुल आपके लिए होगा तभी दर्शकों के लिए होगा वो बिलीफ उस कैरेक्टर में आपका बिलीफ होगा तभी लोग बिलीफ कर पाएंगे तो ट्रूथ और बिलीफ पर सबसे पहले काम करिए आपने सर इतने प्रोसेस के बारे में जिक्र किया अभी तो एक एक्टर के लिए अपने प्रशिक्षण कितना ज़्यादा महत्व रखता है मतलब जबकि आजकल इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं कितना बहुत से लोग खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर चुके हैं जिनके पास कोई एक्टिंग की क्लासेस नहीं होती है, एक प्रशिक्षण नहीं होता है तो आप क्या मानते हैं कि एक एक्टिंग का प्रशिक्षण एक एक्टर के लिए कितना मायने रखता है मैं मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आप देखिए कोई इंजीनियर होता है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है कोई डॉक्टर होता है तो मेडिकल की पढ़ाई करके आता है मैं एडवोकेट था तो मैंने लॉ की पढ़ाई करी तो फिर अभिनय में अगर हम ये सोचते हैं कि हम बिना पढ़े अभिनेता बन सकते हैं बिना सीखे अभिनेता बन सकते हैं तो हो सकता है बिल्कुल बन सकते हैं लोग बहुत से लोग हैं भी पर डेफिनेटली ये बात है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं स्पेशली प्रोसेस में जाते हैं लर्निंग होती है आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको एक, एक स्पेशलिटी तो देता ही है आपके लिए ये तो कंफर्म बात है कि जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा आप अगर एक रास्ते से नहीं जा पाएंगे जैसे हम कहीं पर ड्राइव करते हैं अगर मेन रोड पर जाम होता है तो हम कोई साइड से रास्ता लेके निकल जाते हैं तो वैसे ही आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ वो ऑप्शन जो है वो आपको ज्यादा मिल पाते हैं प्रोसेस से डोर आपकी जो बंद रहती है वो खुल है वो खुल जाती है हाँ तो आपके पास ज्यादा आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप आ, अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को कर पाएं आप कहीं फसेंगे तो आप एक एक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे तरीके से करके अपनी चीजों को बना सकते हैं सर अभी आपने जिक्र किया कि आप वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो सर वकालत बिल्कुल अलग है एक्टिंग बिल्कुल अलग है तो अब आप... बड़ा सिली सा क्वेश्चन है क्या वकालत की पढ़ाई कहीं आपके एक्टिंग में यूज हुई मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपको लगा कि नहीं यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है एक्टिंग में तो कुछ ऐसे ना आप कह सकती हैं कि हाँ जैसे वकील जो होते हैं उनका पेशा है बोलना जी। तथ्यों को रखना वो फैक्ट्स लाएंगे और अपनी बात को पूरे पूरी विल के साथ पूरे बिलीफ के साथ कहेंगे और फिर उसके लिए उनके पास एविडेंसेस होंगी एविडेंसेस लाएंगे उनके विटनेसेस होंगे तो वैसे ही एक्टिंग में क्या होता है एक्टिंग में सबसे पहले आप कोई भी चीज़ लाते हैं उसको ट्रूथफुली बोलते हैं स्टेज पर आकर आपका ख़ुद का बिलीफ होता है और हम जैसे एविडेंसेस बताते हैं वैसे यहाँ पर डायलॉग्स होते हैं जैसे हम बताते हैं कि हमारे पास एविडेंसेस के बाद मैंने क्या बोला देखिए भूल गया मैं जैसे हम विटनेसेस लाते हैं तो वैसे विटनेस के तरह पर हमारे यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो बताते हैं अगर मैं सोहराब हूँ तो एक आदमी हज़ीर करके उस नाटक में है आगरा अश्र कश्मीरी का सहराब रस्तम में वो आता है कि सोहराब इतना बड़ा है कि वो घोड़े को भी दोनों हाथों से उठाकर फेंक सकता है ऐसा रियल लाइफ में हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि हज़ीर ने मेरे आने से पहले ही मुझे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो वैसे ही जो हम सच की तरफ जाते हैं कोर्ट में भी यही होता है हम एविडेंसेस के थ्रू विटनेसेस के थ्रू धीरे धीरे ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे ही जो एक्टिंग है उसमें भी हम स्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टर के थ्रू डायलॉग्स के थ्रू को आर्टिस्ट के थ्रू धीरे धीरे सच की तरफ जो उस नाटक का उस 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 प्रेजेंटेशन का सच होता है उस सच की तरफ जाते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि जो आ, जो जो है उसका इमोशनल फैक्टर नहीं है okay, वो practical. वो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत बहुत जॉब है है ये इमोशनल तो फिर अगर सब कुछ एक जैसा अहम डिसीजन होगा अब तक का तो ये समय आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव हमारे रिश्तेदार जब से पहले जो खड़े हो जाते हैं उनका क्या रिएक्शन था Uh, they all were very happy, and they were saying like, "Okay, if you want to do it, you just do it." My family is very supportive. They all were very comfortable, and uh, they always uh, motivated me. They were like, uh, "Okay, if you wish to be an actor, okay, we are, we are in your support. We are, we are giving you the liberty. Okay, whatever time you want to take, you just take it, but prove yourself." एंड लॉ जो है वो बहुत ड्राई प्रोफेशन है उसमें सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं कि ये एविडेंस है ये है इस क्राइम के लिए ये ये सज़ा है हम थोड़ा बहुत हम लोग कोर्ट में जाते हैं जो एडवोकेट्स हैं आपस में मस्ती करते हैं बट हमारा प्रोफेशन बहुत ड्राई है और जब यहाँ पर आए थे तो मेरी फैमिली को थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने थिएटर को अपनाया थिएटर ने मुझे अपना लिया मैंने एक्टिंग को नहीं पकड़ा शायद एक्टिंग ने मुझे पकड़ लिया और हाँ मुझे कुछ भी चीज़ करने का मौका मिल जा मिल जाता था जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आ, मैं अपने स्कूल डेज़ में था और हमारे फादर हमारे को जो स्पोर्ट्स शूज़ लाए थे उसमें नीचे एक प्लास्टिक की शीट होती तब स्नीकर्स बहुत नए आए थे और आई लव स्नीकर्स पहले वो लेदर के शू और हार्ड सोल्स ही ज़्यादा चलते थे और जब मुझे स्नीकर मिला तो फिर ऐसे ही चलते थे कभी स्लिप हुए तो कोई गिर जाता था बट मैंने ये मान लिया था कि मैं स्नीकर्स पे स्लिप करने के लिए जो स्केट्स नहीं थे हमारे पास तो मैं इस पे इस पे ही करने की कोशिश करता हूँ और जब लोग मेरे साथ के और लोग थे वो करते थे गिरते थे और मैं काफ़ी दूर तक चला जाता था बिना बैलेंस खोए अचीवमेंट इट वॉज काइंड ऑफ अचीवमेंट कि आप स्लिप कर रहे हैं लेकिन आप गिर नहीं रहे हैं पानी डालकर भी आप पानी डालकर भी आप जो है स्कीट कर रहे हैं लेकिन आप गिर नहीं रहे हैं तो वो शायद वो पहला मोमेंट था जिसने मुझे सिखाया कि हाँ हो पाएगा फिर एक पोइट्री हमारे नाना जी सुनाते थे हमें सच के ऊपर वो एक पोइट्री थी वो पोइट्री मैंने जाके सबके सामने बोली पूरा स्कूल था और मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया तो वो मैंने बहुत अच्छे से बोली तो फिर उसके बाद एक आ, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं बोल सकता हूँ उसके बाद मैंने एक आ, सोलो एक्ट किया हमारे स्कूल में परफॉर्मेंसेस देनी थी एंड देखने में थोड़ा अच्छा दिखता था तो मेरी क्लास टीचर बहुत मेरे पीछे पड़ गई उन्होंने बोला नहीं तुमको करना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें खड़ा रखूँगी क्लास में तो ऐसे उन्होंने बोला और बहुत क्यूट वो धमकी थी उनकी मैंने घर आकर मम्मी से पूछा उन्होंने कुछ मुझे ऐसा बोला अरे तुम वो करते हो ना तो तुम ऐसा परफॉर्म कर दो वो एक नौकर एक मालिक की कहानी है कि वो बोलता है कि ये डीजल रखा है इससे पोछा लगा देना और जो है शरबत को पानी में घोल कर पी लेना तो वो सब उल्टा करता है डीजल पी लेता है शरबत से पोछा लगाता है इट वॉज़ अ सोलो एक्ट और लेकिन मैंने कर दिया था बहुत अच्छे से और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी तो एक कही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था फिर एन जब एनसीसी के लिए गया तो वहाँ पर भी हमने एक कल्चरल एक्टिविटी में मैंने परफॉर्म किया था और वहाँ पर भी बहुत तारीफ़ें मिल गई थी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा था डे वन से आई वाज कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा का बहुत प्यार मिला uh, मैं चाहता हूँ मेरी उम्र भी मेरी मम्मी को लग जाए और वो मेरे लिए तो भगवान ही है जब तक माँ बाप आपके साथ हों तब तक आप बच्चे होते हैं और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर यही है कि कोई दिन वो आएगा जब मैं अपने भगवान को खो दूँगा मैं लगातार अपने घर नहीं आ पाता हूँ वापस अब इस बार भी मैं आठ महीने बाद अपने होम टाउन जा रहा हूँ जैसे लोग कहते हैं ना होली दिवाली घर जाना होली मार्च में थी तो नवंबर में दिवाली के लिए घर आया हूँ तो उनके प्यार ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मुझे बताया कि अबीर तुम तुम कर सकते हो ये और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ मेरा कॉन्फिडेंस मेरे पास जो कुछ भी है नाम इज़्ज़त पैसा काम उसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं उन लोगों की दुआएं भी हैं जिन्होंने कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो मैं उनको मतलब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बट हाँ वो, उन लोगों ने जो मुझे चैलेंज दिया था वो पूरा करने का जुनून बन गया मेरे मैंने एक चीज नोटिस की कि आप लॉ के स्टूडेंट तो मतलब अगर आप चाहते भी तो नहीं रह पाते क्योंकि आप इतने इमोशनल है कि आप कोई केस लड़ने से पहले सोचते रहे यार इतना ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता इस केस में तो आप जब अपने अपने आप को लेकर इतना इमोशनल है तो आप तो अपने आसपास के रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल होंगे कैसे मैनेज करते होंगे फिर इन सब चीजों को डेफिनेटली uh, भव्य बिल्कुल सही कह रही हैं uh, मैं हूँ बहुत ज्यादा इमोशनल और मेरा इमोशनल एस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि uh, मैं अगर किसी इंसान को सामने दुखी देखूं तो मैं दुखी हो जाता हूं और uh, शायद मेरे दिमाग में कहीं ये थॉट भी था इट्स बेटर टू बी अ गुड एक्टर देन अ बैड एडवोकेट तो अभी यहाँ पर क्या होता है अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लोग बाहर जाकर बोलेंगे अरे बड़ी घटिया परफॉर्मेंस थी एक्टर अच्छा नहीं था पर अगर मैंने तथ्यों को सही से नहीं रखा फैक्ट्स या मेरे पास एविडेंसेस है ना और जो मेरे विटनेसेस थे वो अच्छा नहीं कर पाए नहीं बोल पाए मैं केस को सही से स्टडी नहीं कर पाया तो वो किसी के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है।, है तो मुझे लगता था और मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है शायद इसीलिए मेरी एक्टिंग में भी वो सच्चाई दिखती है आई एम वेरी 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 बैड लायर मैं और मुझे लग रहा था मैं बैड लायर, तो ए, बैड <laughs> तो मैं बैड बैड तो फिर तो तो डेफिनेटली आई एम गोना बी वेरी अगर एडवोकेट होता फिर पैसे नहीं कमा पाता ईमानदार लोगों को ढूंढता कि भाई मैं मैं एक सच्चे इंसान का केस लडूंगा तो फिर मैं रो रहा होता <laughs> अरे या फिर मैं रो रहा होता? <laughs> <laughs> अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा था इस ये बहुत ही टफ टाइम था सबके लिए मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक एक्टर के लिए हर किसी की जिंदगी में बहुत से उथल पुथल इस चीज़ की वजह से हुई आ, हर कोई अपने आप को किसी ना किसी तरह से इंगेज रखना चाहता था तो मैं ये चाहूँगी कि आपने खुद को आ, कैसे उस समय मोटिवेट रखा कि नहीं इस टाइम को मुझे जीतना है और वापस एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कि आ, मैं मार्च में घर गया था और मुझे डेट याद नहीं है लेकिन शायद 9-10 मार्च के आसपास कुछ होली थी और मैं होली का फेस्टिवल पूरा हुआ और मेरे दोस्त हैं रमापति तो वो शाहजहाँपुर से मुंबई जा रहे थे वापस उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जाने का प्लान है मैंने कहा मैं भी चल रहा हूँ और ये सबको पता चल गया था कि इक्कीस या बाईस तारीख से कुछ लॉकडाउन था मुंबई में तो न्यूज़ में आ रहा था सब लोग मुझे बोल रहे थे कि मत जाओ पर जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ मेरे सामने ये चीज़ थी कि मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया मुझे पहचान दी मुझे बहुत सारा प्यार दिया मुंबई कर बहुत प्यार दिया उस जगह ने मुझे अपना लिया वहाँ पर एक मंदिर है मुंबा देवी का मंदिर तो मैं वहां गया और मैंने कहा कि माँ प्लीज मुझे यहाँ सेटल करो मुझे आप जाने मत देना और मैं यहाँ एक्टर बनने के लिए आया हूं और ये आपकी जगह है तो आप ये कर सकती हैं मैंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मुझे भगवान ने मदद कर ली मतलब है? मैं है, कोई हो या ना हो और फिर क्या होता कि जब मैं जब अब ये कोरोना आ गया है और लोग मुंबई से म, मुंबई में बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं डरे हुए हैं लोग हैं तो क्या करना चाहिए तो मेरे सामने ये चीज़ आई कि आज जब जब मेरा बुरा समय था तो मुंबई ने मुझे जगह दी मैं सीख के निकला था मुझे नहीं पता था कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा तो आज जब मुंबई के और बुरा समय है और मैं ये सोच के कि हाँ कोरोना फैल रहा है मैं ना जाऊँ तो ये तो कुछ बात बनी नहीं हालांकि ये बात बिल्कुल पक्की थी कि मुंबा देवी कभी शाहजहाँपुर नहीं आती और मुझसे कभी आकर ये नहीं कहती कि अच्छा मैंने तुम्हें वहाँ रखा और तुम जो है शाहजहाँपुर में रुक गए तो तुम तो बोलते थे तुम्हें मुंबई में रहना है तो वो दैट वॉज एन इमोशनल अटैचमेंट विद द मुंबई और लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे थे न्यूज़पेपर में हर दस सेकंड के बाद यही न्यूज़ थी कोरोना मुंबई बंद बाईस तारीख से बट uh, मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं मुंबई चला गया और आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि जब मुंबई में कोरोना शुरू हो रहा था तब मैं मुंबई जा रहा था दे जब लॉकडाउन होने वाला था हाँ और जब मुंबई में अब लॉकडाउन खत्म हो गया है तब तो मैं वापस आया तो मैं मतलब मैंने अपना पूरा कोरोना पीरियड मुंबई में ही निकाला है मैं नहीं आ पाया अपना फर्ज मुंबई के लिए जो था वो मैंने पूरा कर दिया कि मुंबा देवी जी मैं देखे आपने मुझे रखा था और मैं यहाँ हूँ मुंबई खराब पर्सन आई एम इमोशनल बिकॉज़ मैं एक एक मामूली इंसान एक आम आदमी जो किसी अनजान शहर में पहुंचा और वहां उसने जाकर उस शहर से वो रिक्वेस्ट करी शहर से मतलब शहर की रानी है देवी है मुंबा देवी उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम मुंबई है मैं उनके दरवाजे पर गया मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे वो जगह दी मेरे पास मुंबई में अपना घर है अपनी गाड़ी है लोग मुझे पहचानते हैं उस जगह ने मुझे इतनी फेम दी कि मुझे लोग इंटरनेशनली जानते हैं शायद ग्लोब में शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पर मेरे सही टेलीकास्ट होता हो और लोग मुझे ना पहचानते हो तो जब कोई जगह आपको इतना दे सकती है तो इमोशनल अटैचमेंट होना ही चाहिए मैं जब गया था तो मैं इमोशनली बहुत अटैच था मुंबा देवी से इसलिए मैं उनके दरवाजे पर गया मैंने एक बच्चे की तरह मांगा और उन्होंने एक माँ की तरह मुझे दिया तो ये बात भी पक्की थी कि आज जब माँ को छोड़ के लोग जा रहे हैं तो बच्चों को वहाँ होना चाहिए तो मैं नहीं रोक पाया खुद को चला गया मुंबई सर आपका ऐसे छोटी छोटी चीज़ पे इमोशनल होना आ, मुझे लगता है कि आगे जो भी हमें देख रहे होंगे जो हमारी जनरेशन है उनको इस चीज़ का ज़रूर एहसास होगा कि आप कितने भी ऊंचाइयों पर चले जाएं पर आपको अपने ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए आ, कुछ लोग का एक होता है ना कि अब तो मैं बस बन गया एक एक्टर एक मैंने तो इतना बड़ा काम कर लिया लोग मुझे पहचान रहे हैं फिर उनके लिए हर कोई छोटा हो जाता है लेकिन आपने उस चीज़ को अभी तक बनाए रखा ये मुझे लगता तो है बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा सर तो जब मैं जब मैं बी आया और यहाँ पर मेरा लास्ट डे था हम लोग जाने वाले थे दो साल के बाद तो मेरे कुछ दोस्त रो रहे थे और मैं सबको बहुत ढांडस बता रहा था कि मतलब हम लोग जाएंगे और ये तो एक पड़ाव है और हम सब लोग वापस आते रहेंगे क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मुझे लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता वो आपके लिए एक स्टेशन होता है एक हॉल्ट होता है आप वहाँ आते हैं आप नई चीज़ें सीखते हैं नई एनर्जी लेके वहाँ से आगे जाते हैं तो मैंने भी बी को इसी तरीके से समझा था और आ, मैं खुशकस्मत पाता हूँ ख़ुद को कि आ, आज मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं आया हूँ कि कुछ हो नहीं पाया है आज मैं यहाँ यहाँ हूँ और लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और मेरे साथी जो बाद में इसको देखेंगे शायद उन्हें मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट कर पाऊँगा कि आप इन दो सालों को जो दो साल आपको बी के अंदर मिलेंगे उनको आप पूरी तरीके से यूज़ कीजिए और उस हद हाँ तक यूज़ कीजिए कि आपके अंदर कोई गिला नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये वहाँ ये नहीं सीखा करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड वेरी डिटरमाइंड एंड यू शुड सी योर गोल एवरी टाइम एवरी सिंगल मोमेंट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर गोल वेदर यू वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर एक्टर सिनेमाटोग्राफर व्हाट एवर इज़ योर टारगेट व्हाट एवर यू विश टू बी इन योर लाइफ you just look at that continuously the thing was like when i uh, went to mumbai people gave me offer about writing few people asked me can you direct few people said uh, okay why don't you be a casting director but it was very focused very firm decision that i am here to be an actor and whatever conditions would come i will face but i will be an actor तो आप लोग जो भी इस स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए आप इस बात को बहुत ध्यान रखिए आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं किसी भी इंसान के दस लक्ष्य नहीं होते वो एक एक करके दस लक्ष्य लेगा अच्छी बात है अचीव करेगा या अगर कोई इंसान दस लक्ष्य एक बार में बना लेता है और उन्हें प्राप्त कर लेता है तो सोचिए कि वो अगर वो एक बार में दस लक्ष्य अचीव कर रहा है टेन टारगेट्स हिट कर रहा है और वो किसी एक टारगेट को उतने ही फोर्स से हिट करता तो वो कितना अचीव कर सकता था तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमको अपने एनर्जी को अपने विजडम को अपने कंसंट्रेशन को जाने नहीं देना है हमको बना के रखना है और तभी हम तरक्की करेंगे आ, कहा जाता है कि एक एक्टर को बनने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप उन एलिमेंट्स के बारे में अगर जिक्र करें कि एक आक, जो भी स्टूडेंट है आपने कहा कि बहुत से लक्ष्य नहीं हो सकते एक लक्ष्य होता है लेकिन एक्टर को बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है किन किन गुणों को वो अपने अंदर रखे जिससे वो एक बहुत ही प्रोफेशनल ही पर एक शुरुआती कलाकार कलाकार अच्छा कलाकार बन सके देखिए मुझे लगता है जैसा हम लोग को पढ़ाया भी जाता है कि अभिनय कितने तरीके का है आंगिक है वाचिक है आहार्य है और एक भावनात्मक आप बोल सकते हैं क्योंकि वो इंटरनल चल रहा होता है तो आंगिक के लिए आप कोशिश करिए आप फिट रहिए आप कोशिश करिए कि आप अगर आप एक्टर हैं तो आप एक्टर की तरह अच्छे मतलब आप आप दिखने आपको लगे कि मुझे इस चीज में करेक्शन चाहिए तो अपने उन चीजों को करेक्ट करिए सही तरीके से ड्रेसअप होइए आंगे बहुत से बच्चों के अंदर उसी क्वेश्चन से जुड़ता है उनके अंदर ये सवाल रहता है कि हम

अगर आप किसी डायरेक्टर को मिलते हैं किसी प्रोड्यूसर को मिलते हैं आप किसी मीटिंग में जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल भेजते हैं तो वो एक कैरेक्टर हो सकता है कि आप एक भिखारी का कैरेक्टर कर रहे हैं गंदे गंदे कपड़े पहने हुए हैं आपको थोड़ा बॉडी पे और वो लोग लो टैन करते हैं या हमारे यहाँ ब्राउन पा। पाउडर होता है वो लगा के काला किया जाता है कपड़े गंदे किए जाते हैं आप लोग जो शूटिंग में देखते हैं वो कपड़े वास्तविकता में गंदे नहीं होते उनको गंदा किया जाता है या कभी कभी एक्टर्स जैसे प्रोसेस में जाते हैं कि अभी एक हफ़्ता नहाना नहीं है या मतलब मुझे खाना इस तरीके का खाना है या लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं तो वो किसी एक्टर का प्रोसेस हो सकता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग बट क्लिनलीनेस आप हर समय तो वैसे नहीं हो सकते ना आप कैरेक्टर करेंगे आप कुछ आ, कुछ घंटों के लिए उस चरित्र में जाते हैं अगर आप थिएटर की बात करें तो ठीक है कुछ घंटे कुछ कुछ मान लेते हैं कुछ दिन लेकिन आप अपनी रेगुलर लाइफ में तो वैसे नहीं हो सकते मैंने बात करी अगर सपोज करिए आज आपने ठीक है मैं मान लेता हूँ आज आपके पास कोई शराबी का कैरेक्टर है आप शराब पीने शराबी का कैरेक्टर करने के लिए आप शराब पीना शुरू करते हैं तो फिर आपके अंदर वो विल भी होनी चाहिए कि जब वो कैरेक्टर ओवर हो जाएगा तो फिर आप शराब पीना छोड़ देंगे अगर आप एक फ़कीर का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो दो साल से जंगल में था नहीं नहाया या उसके नए कपड़े नहीं थे आपने करने के लिए डेढ़ महीना आप नहीं नहाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेढ़ महीना ना नहाना आपकी पर्सनैलिटी में आ जाए कैरेक्टर अलग चीज़ है अभिनेता अलग है और चरित्र अलग है अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने अभिनय से अपने आप को जैसा आपने सवाल पूछा कि अभिनय को हम मानते हैं हम लुक्स को नहीं मानते तो गंदे लुक्स और अभिनय का तो कोई लेना देना नहीं है अगर ऐसा है तो इरफान खान को तो मैंने कभी नहीं देखा मरहूम इरफान खान साहब वो आप बोलेंगे वो इंडिया के बहुत अच्छे एक्टर्स में से थे तो आप क्या कहना चाहते हैं वो गंदे संदे थे लुक्स पे ध्यान नहीं देते थे आप देखिए कितने प्रेजेंटेबल दिखते हैं वो और या फिर आप बोलना चाहेंगे कि शाहरुख खान साहब को एक्टिंग नहीं आती आप स्वदेश देखिए आप उनकी शुरुआत की मूवीज़ देखिए आपको लगेगा अगर आप बोलना चाहते हैं कि अभिनय का मतलब लुक से कोई लेना देना नहीं हम खाली एक्टर बनना चाहते हैं तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा किस बुक के अंदर लिखा है कि अगर आप गंदे संदे हो तो भी आप एक्टर हो भाई आप अच्छे एक्टर हैं बहुत खुशी की बात है उसके साथ में आप लुक्स पर काम करिए तो चार चांद लग जाएंगे तो आप दोनों चीज़ करिए ना मनोहर सिंह साहब हैं अमरीशपुरी साहब उनकी ऐसी आवाज़ थी उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी तो उनको गंदे संदे लुक्स में रहना चाहिए नहीं होता भाई ऐसा अगर आपके पास कोई एक चीज़ है तो उसके साथ जो आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उन पर काम करिए आप कोशिश करिए कि जिस चीज़ में आप पीछे हैं उसमें भी आप आगे आ जाएं तो आंगिक पर आप काम कर सकते हैं आंगिक मतलब है कि आप अच्छे से ड्रेसअप होइए किसी से मिलिए प्लीजेंट रहिए अब नवाज़ साहब हैं आप नवाज़ साहब की एक स्पीच है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे सीनियर हैं यहाँ भी एने से तो आप देखिए वो कितने सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर और वो बोल रहे हैं सारे लोगों को कि मैं जब यहाँ आया था तो ऐसा हुआ पर मैंने ख़ुद को चेंज किया आज मैं यहाँ हूँ अगर आपके सपनों में जान है तो होगा तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज हाउ यू यो प्रजेंट योर सेल्फ प्रजेंटेबल होना मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि आप बेस लगा के मेकअप लगा के जाइए मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि आप हमेशा वर्साचे का सूट पहनेंगे तो आप अच्छा दिखेंगे बट क्लीन रहना अच्छा रहना प्लीजेंट रहना प्रजेंटेबल रहना ये ज़रूरी है एक्टर के लिए वाचिक अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ बहुत महीन है या आपको सुर पर कुछ समझ नहीं है तो फिर आप गाने वाला रोल कैसे करेंगे तो आप वाचिक पर काम करिए म्यूज़िक सीखिए आह्य आह्य मतलब अगर कोई चरित्र है राजा है और आपको उसका एक रोप कैरी करना है या सोल्ड कैरी करनी है आपको क्राउन के रखना तो आपको उसका हैंडल करना आना चाहिए अगर आपने कभी की नहीं किया हुआ तो आप कैसे करेंगे तो आप कोशिश करिए जितना मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान परिपूर्ण हो पर उसे ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि वो परिपूर्णता के कि कितना करीब जा सकता है सर आज आजकल इंस्टाग्राम मैंने आपका इंस्टाग्राम किया आप उस पर बहुत अच्छा गाना गा रहे थे ठीक है अपने फैंस के लिए सबके आप टाइम पर लाइव आते रहते हैं तो जो हमारे का जो प्लेटफॉर्म हो चुका है, वो काफी है कितना इम्पोर्टेंट बन चुके हैं इन पे एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है फैन से जुड़े रहना कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है और अगर आपके अंदर बहुत मतलब अपडेट रहना लोग नहीं चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए उन्हें क्या चीजें रखनी चाहिए करनी चाहिए देखिए पहली बात तो ये है कि लोग एक जैसे आपने एक वर्ड यूज किया अपडेट तो मुझे लगता है अब अप टू डेट वाला टाइम नहीं है पहले लोग होते थे अप टू डेट क्योंकि आज न्यूज़पेपर पब्लिश होता था कल लोगों के पास आ जाता था कल क्या हुआ वो आज के अखबार में होगा लेकिन आज की दुनिया ऐसी है आधा घंटे पहले क्या हुआ वो आपको पता चल सकता है अगर वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है तो आपको आज अभी आधा घंटे में दस मिनट में पाँच मिनट में भी पता चल सकता है तो आजकल अप टू टाइम रहने की जरूरत है पहली बात दूसरी बात सोशल मीडिया सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आते हैं लोग आपके साथ जुड़ते हैं जैसे मेरे बहुत सारे फैंस हैं उनकी समय समय पर बहुत क्यूट विशेज़ होती हैं जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक नया गाना गाइए कुछ लोग पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे एक गाना गा के भेजिए तो मैं मुझे लगता है कि अगर मैंने एक व्यक्ति को गाना गा कर भेजा तो फिर मुझे सबके लिए गाना गाना चाहिए और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैं कोई किसी ने अगर कोई गाना गाया और तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं क्या करूँ उन लोगों के लिए तो मैं एक अच्छा सा गाना गाऊँगा रिकॉर्ड करूँगा उसको वीडियो बनाकर और मैं अपलोड कर देता हूँ लोग खुश हो जाते हैं उससे मेरी भी ग्रोथ होती है कि मेरा जो मन थोड़ा खुश हो जाता है गाना गा के एक अलग जोन में चला जाता हूँ और लोग अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक ट्रीट हो जाता है उनको भी लगता है कि आ, वो मुझे देखना चाहते थे मुझे सुनना चाहते थे जैसे अभी कुछ लोगों ने बड़े इमोशनल मैसेजेज लिखे मुझे फेसबुक पर उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास तो एक ही तरीका है आपको कॉन्टैक्ट करने का तो हम लोग यहाँ मैसेज लिख देते हैं तो आप हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप आएंगे बीच बीच में हमको दिख जाएंगे आपका प्रेजेंट लुक क्या है प्रेजेंट क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी हो जाती है इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि समय समय पर लोगों से मिलता रहूँ क्योंकि इतने बड़े ग्रुप के साथ अकेले कम्युनिकेट करना फ़ोन पर या मैसेज पर पॉसिबल नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोग के मैसेजेस का जवाब दे दूँ या अगर सबका जवाब नहीं दे सकता तो कम से कम एक वीडियो बना के वीडियो बाइट बना के कुछ गाना गा के कर दूँ कभी लाइव चला जाऊँ तो पहले से अपडेट कर देता हूँ आप लोग लाइव आ जाइएगा जो लोग बात करना चाहते हैं या फिर जब मेरा बर्थडे था सिक्स मे को

कि अब जो भारतीय हिंदू नाटक अकादमी अकादमी है आपके अभिनव की नींव वहीं से शुरुआत हुई आपके जीवन में कितनी अहमियत रखता है एज ए एक्टर और शुरुआती दौर के सारी चीज़ों को मिलाकर के भारतीय हिंदू नाटक अकादमी को अगर आप एक वर्ड में कहना चाहें तो क्या किस तरह से बताएंगे सर भारतीय हिंदू नाटक अकादमी इज अ पाथ फॉर मी इट इज प्लेस वेयर आई कम टू नो हु अबीर सूफी It created a basic difference between Vaibhav Saraswat and Abir Sufi because I was a common guy. Even today I do feel like I am a common guy but still this place gave me a confidence that you are an actor and you can do it. Because here we, uh, we were trained for two complete years. I saw uh, three uh, batches in uh, in this school and almost all were uh, of same age so it was a big family kind of thing in every batch there were there were 16 uh, students and uh, so 16 multiplied by 3 so this is 39 uh, no uh, 48 and uh, the thing was like if uh, you are 48 uh, brothers sisters cousins fiance girlfriend whatever you think तो इट्स अ इट्स अ ह्यूज ग्रुप और आप आप इमेजिन करिए कि आप 48 लोगों को 48 लोगों को पर्सनली जानते हैं जैसे मुझे पता है कि राहुल जायसवाल जो मेरा जूनियर था वो लखनऊ का ही रहने वाला है मेरी जूनियर थी माया पासवान वो गोरखपुर की है ईशान लवानिया वो आगरा से है मेरा एक सीनियर था मनोज शर्मा वो आगरा का रहने वाला था हम एक ही बैच के अंदर लगभग पाँच हम पाँच लोग शाहजहाँपुर से ही थे हम कभी हमें वो वक्त मौका नहीं मिलता कि हम साथ में रहें एक दूसरे को जाने सीखें तो बी एन ए हमें वो प्लेटफॉर्म दिया कि हम साथ रहेंगे एक बड़ी फैमिली की तरह हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी कि जैसे मैंने बताया हम कभी बाहर घूमने चले गए तो खाना नहीं उठा के रखा तो उस रात हमें भूखा सोना है तो पता चलता है कि भाई नहीं नहीं किसी के पास आज बिस्किट्स हैं और उसके पास बिस्किट है लेकिन दूध नहीं है तब तक तो दूसरे इंसान कह रहे दूध है ना मैं चाय बनाता हूँ दोनों लोग पिएँगे हाँ और तो फिर वो इंसान आपके लिए चाय बनाता है और आप आप चाय के साथ वो चार बिस्किट्स आपकी आपका डिनर होता है और आप बहुत मस्ती करते हैं और तब भी आप खुश होते हैं या आ, मेरी एक सीनियर जो सीमा थी वो मैं शो करने जा रहा हूँ तो मुझे आज भी काजल ने नहीं लगा सकता अपने हाथ से तो बोलती थी तुम आ जाना मैं लगा दूँगी और आप किसी इंसान के पास जाते हैं बहुत प्यार से आपको काजल लगाता है और आपको बताता है आपका कॉन्फिडेंस हाई करता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर कोई इंसान घर से आया और उसकी मम्मी ने कुछ मिठाई भेजी है और आप मतलब एक के बजाय आप कोशिश कर रहे हैं आप दो पेड़े उठा लें या दो लड्डू उठा लें तो वो जो वो जो आपको एक बॉन्डिंग मिलती है लोगों के साथ वो वो ताम्र काम आती है और मैं कहना चाहूँगा कि हर उस इंसान का जो इस बी से जुड़ा हुआ है मैं बहुत आभारी हूँ उस इंसान का मिस्टर राज बिसारिया पद्मश्री राज बिसारिया मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता मैं उनसे कभी नहीं मिला पर अ, मेरी तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद है मेरी तरफ़ से मैं कहना चाहूँगा कि अ, मिस्टर बिसारिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक स्कूल बी एन ए जहाँ आज हम बैठे हैं ये आपने और कुछ और लोगों ने प्रयास करके मिल के बनाया और उसकी वजह से जो एक जो एक मीडियम क्लास फैमिली होती है उसके मुझ जैसे कुछ लड़के लड़कियों को एक्टिंग सीखने का या अपना ड्रीम पूरा करने का मौका मिला हम यहाँ आए सीख पाए आपने ये ये जगह हमें दी ऑडिटोरियम्स हैं यहाँ पर बुक्स हैं यहाँ पर कुछ खट्टे मीठे पल हैं कुछ कड़वी मीठी यादें हैं कुछ बाहर से फैकल्टी आई उन्होंने कुछ हमें सिखाया कुछ हमें परिस्थितियों ने सिखाया कुछ हमारे दोस्तों ने सिखाया कुछ हमारे टीचर्स ने सिखाया बहुत कुछ इस लखनऊ ने सिखाया यहाँ के रंगकर्म ने सिखाया तो अगर बिसारे साहब नहीं होते तो ये बी नहीं होता शायद या अगर बी नहीं होता तो डेफिनेटली हम नहीं होते तो मैं कहना चाहूँगा कि बी को लखनऊ को और इस बी को बनाने वालों को मतलब अनंत कोटि प्रणाम है अबीर सूफी की तरफ से और मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाऊँ या आप बोल सकते हैं इसके पीछे एक भावना काम करती है कि आप बिसारे साहब या और जो फाउंडर मेंबर्स थे या बी अपने आप में क्या है हम मैं हूँ बी यहाँ से निकला हुआ हर स्टूडेंट बी एन है हम लोग जब अच्छा करेंगे स्कूल का नाम होगा तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और शायद ये जो ये जो बिल्डिंग है ये भी गहरी सांस ले पाएगी खुशी की सांस ले पाएगी हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है वो खुश महसूस करेगा और ये मेरा अचीवमेंट नहीं है जो भी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कर पाया है ये बी एन ए का अचीवमेंट है बी एन ए की वजह से है ये। मैं कहना चाहूँगा कि ये वो जगह है जो आप में से हर इंसान को आम से ख़ास बना सकती है आई माइंड माई वर्ड्स आई रिपीट माई वर्ड्स आई मीन माई वर्ड्स कि बी एन ए वो जगह है जो आप में से हर इंसान को अभिनेता बना सकती है और अगर आप में डेडिकेशन है कुछ करने की इच्छा है और आप वाकई काम करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म आप प्लीज यहाँ आइए और जो भी लोग जिन्होंने इस स्कूल को बनाया है आप देखिए उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी क्या सपने देखे होंगे और इस स्कूल को खड़ा किया है कुछ चीज़ें हर जगह जैसे मैंने बोला कि खट्टा मीठा कड़वा ये सब हर जगह चलता रहता है थोड़ी बहुत नोक झोंक प्यार ये सब हर जगह चलता है पर यह स्कूल बहुत कमाल का है आज हमने एक एक्टर को उतने करीब से जाना जितना हम एक अपने साथ के किसी दोस्त को जानते हैं एक एक्टर के जीवन में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये हमने खुद बेमे के एक भूतपूर्व छात्र वैभव सारस्वत से जाना वैभव सारस्वत जी हमारे बीच आए इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर थैंक यू सो मच